ये माया नगरी मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी और बॉलीवुड की फिल्मों का इंद्रधनुष सजाने वाली मुंबई। लेकिन मुंबई का एक और भी रूप है, ये पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं मुंबई के कचरे के पहाड़ हैं, इनका निर्माण हमने किया है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम अपने घरों और दफ्तरों में हर रोज ढेरों कूड़ा कचरा पैदा करते हैं। बीएमसी वही कूड़ा कचरा गोवंडी के इस डंपिंग ग्राउंड में डालती आई है। कचरे के पहाड़ों के कारण इस पूरे इलाके में बदहाली का आलम है। अक्सर हवा के साथ उड़कर और बारिश में बहकर यही कचरा पूरे इलाके में दुर्गंध फैलाता है। हम लोग खुद कर रहे हो गटर सब। गोवंडी के गरीब निवासी बदहाली में जीने को मजबूर हैं। यहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। रहने के लिए ढंग का मकान नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं। पानी का कलर अलग अलग होता है, कोई हरा होता है, पीला होता है, ऐसा वैसे ही लोग पानी भरते और पीते। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं है। यहाँ की गरीब आबादी रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आई है। इन्हें रोजी रोटी तो मिली है, लेकिन सुख सुविधाएं इनसे कोसों दूर हैं। गोवंडी में चारों तरफ मक्खी मच्छरों का राज है। पूरे इलाके में पर्यावरण प्रदूषित है। गोवंडी में इसी कचरे से घर घर में मलेरिया और टीबी जैसी कई घातक बीमारियों के मरीज हैं। बच्चों में भी जानलेवा बीमारियों के लक्षण हैं। करीब 20% बच्चों को टीबी है। ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गोवंडी की बदहाली की काफी जिम्मेदारी हमारी है। इस गोवंडी को भी इंसानियत से जीने के लिए सारी व्यवस्था हो सकी, इस भूमिका से अपने पल के इनके साथ काम कीजिए। यहाँ फैली बीमारियों से हम भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर और घरेलू काम करने वाले लोग हमारे नियमित संपर्क में आते हैं। महानगर पालिका को भी इस इलाके पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गोवंडी बस्ती मुंबई महानगर के माथे पर एक कलंक है। आप बॉम्बे को शंघाई बना रहे, लेकिन हमको प्रॉपर बॉम्बे तो बनाइए। यहाँ के गरीब लोग नरक जैसे हालात में रह रहे हैं। ये नरक महानगर के संभ्रांत लोगों की जीवन शैली से बना है, लेकिन इसकी सजा गोवंडी के निवासी भुगत रहे हैं। खुली जगह में कचरे के पहाड़ बनाना कौन सही ठहरा सकता है? अमीर बस्तियों का कचरा गरीब लोगों की बस्ती में डालना मानवता के प्रति अपराध है। धर्म भारती मिशन जैसी संस्थाएं जी जान से अपने काम में जुटी हैं। इस काम में सभी मुंबई वासियों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। आप सबके सहयोग से ही ये संभव होगा। शायर राकेश पालीवाल का शेर है, हमने जलाई है मशाल रब के नाम पर, हमने जलाई है मशाल रब के नाम पर, राकेश होगी रोशनी हर एक मुकाम पर। आइए हम सब अपना अपना कचरा कम करें और गोवंडी वासियों की बदहाली को खुशहाली में बदलने के पवित्र काम में सहयोगी बने। जय हिंद।